समा, समा। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। चलो वेद, बस आ गई। माँ घर के सारे कामों के बोझ से दबी रहती हैं, पर न जाने क्यों पापा उनकी कोई मदद नहीं करते। मैं जानती हूँ कि पापा ऑफिस जाते हैं, लेकिन माँ तो घर की सफाई भी करती हैं, सभी के लिए खाना पकाती हैं और फिर ऑफिस भी जाती हैं। मुझे इस बारे में ईशा मैम से बात करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास खत्म होती है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो मेरे पास आओ। मैम, मेरी माँ मेरी और मेरे भाई की मदद करती है स्कूल के लिए तैयार होने में, और वो हम सबके लिए खाना भी बनाती हैं और फिर ऑफिस भी जाती हैं। मुझे हर शाम अपनी माँ को ऐसे थके हुए देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों वो सारे दिन अकेले काम करती हैं? क्यों नहीं मेरे पापा उनकी मदद करते हैं? क्या केवल महिलाएं ही घर का काम करती हैं? समा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस पर ध्यान दिया और तुम मुझसे इस बात पर चर्चा कर रही हो। यह सही नहीं है कि केवल महिलाएं घर का काम कर सकती हैं। एक व्यक्ति के लिंग और जेंडर का उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। घर को चलाने में हर एक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और घर का काम साथ मिलकर करना चाहिए। ओके मैम, लेकिन सेक्स और जेंडर से आपका क्या मतलब है? समा, लिंग एक जैविक पहचान है जो कि उन शरीर के अंगों पर आधारित होता है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ओके मैम, और जेंडर क्या होता है? जेंडर के तहत समाज हमारे जैविक लिंग के आधार पर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम कैसे व्यवहार करें। उदाहरण के तौर पर, ये सामान्य रूप से स्वीकृत है कि महिलाओं को घर का सारा काम करना चाहिए। मैम, बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर में हो रहा है और मुझे लगता है कि ये गलत है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। शायद तुम ये जानती होगी कि दुनिया के ज्यादातर शेफ पुरुष हैं और उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है कि केवल महिलाएं खाना पका सकती हैं। इसी तरह मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि महिलाएं भी लड़ सकती हैं और वे भी उतनी ही मजबूत होती हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिनको तुम ध्यान में रख सकती हो और अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कर सकती हो। धन्यवाद मैम, मैं अपने मम्मी और पापा से चर्चा करूंगी और जब भी मैं ऐसा कुछ अपने आसपास होते देखूंगी इन बातों पर सवाल उठाऊंगी। पद्मा, क्या डिनर तैयार है? और मैं सोच रहा था कि तुम हम सबके लिए कुछ खाना बना लो ताकि हम ट्रेन में भूखे ना रहें। ठीक है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। वेद, वेद। हाँ दीदी, आया। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल समा, बोलो क्या बात है? आप माँ की घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते? मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और जब वापस आता हूँ तो थका होता हूँ, तब मैं टीवी देखना और आराम करना पसंद करता हूँ। लेकिन माँ भी तो ऑफिस जाती हैं, पर तब भी वो घर वापस आकर खाना बनाती हैं और घर साफ करती हैं और अन्य घरेलू काम करती हैं। समा, तुमसे ये सब बातें किसने कही? हर घर में माँ खाना बनाती है और घरेलू कार्य करती है, यह हमारे समाज में सामान्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं पापा, ये गलत है। मेरी टीचर ने भी ऐसी मान्यताओं के बारे में बताया था जो कुछ स्थितियों में एक लिंग को दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। हम सबके लिए खाना बनाना माँ का कर्तव्य नहीं है। मैम ने कहा था कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ समा, मैं समझ गया हूँ कि जो तुम्हारी टीचर ने कहा वो सही है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी माँ की खाना बनाने में मदद करूँगा और कल शिमला जाने के लिए बैग भी पैक करूँगा। धन्यवाद बेटा, ये बताने के लिए कि मैं क्या गलत कर रहा था। ये केवल एक उदाहरण है उसके घर का, जहाँ सभी लिंग के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता है, इसलिए रूढ़ियों को संबोधित करना और इनके बारे में बात करना जरूरी है। जैसे मैंने अपने घर में इस समस्या के बारे में की, वैसे हर किसी को करनी चाहिए। वेद, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? दीदी, मैं इनसे बहुत डरता हूँ। ये लोग कौन हैं? वेद,
इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ट्रांसजेंडर हमारे जैसे लोग हैं जो अपने जैविक लिंग के आधार पर सौंपे गए जेंडर की भूमिका से पहचाने नहीं जाते। मेरी क्लास टीचर मैम ने बताया था कि ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपना क्या जेंडर चुने, और हमें उनके जेंडर के चुनाव पर नजर नहीं रखनी चाहिए, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दीदी, वो सबके पास क्यों जा रहे हैं? समाज ट्रांसजेंडर को समान मौके नहीं देता है, जिसकी वजह से उनको अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां आती है, इसीलिए वो लोगों से पैसे मांगते हैं। माँ पापा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? अभी तुरंत ये सब बंद करें। हर एक व्यक्ति जैसा बनना चाहे वैसा बनकर जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। आप सब लोगों को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी गलती महसूस करते हैं और शर्मिंदा हैं। धन्यवाद सर, अब समय है कि लोग ये समझें कि हमारा जेंडर या जीवन जीने का चुनाव हमें कमजोर नहीं बनाता, और इस आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो सही कह रहे हैं, हमें सभी इंसानों का सम्मान करना सीखना चाहिए और लोग जैसे भी हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। हर एक परिवार एवं समाज में लिंग समानता अति आवश्यक है। बच्चे के अभिभावक उनके पहले रोल मॉडल होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माँ बाप घर के कार्यों को साथ मिलकर करें और अपने बच्चों से उनके उम्र के अनुकूल लिंग आधारित मुद्दों के बारे में बात करें, ताकि वो और ज्यादा जानकार, लिंग उत्तरदायी और सम्मानजनक बने। लिंग, जेंडर, जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक स्तर से परे सभी के बीच में आपसी सम्मान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मूल्य लैंगिक समता आधारित समाज के निर्माण की मजबूत नींव बनाते हैं।